बड़ी बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। 2019 करीब आ रहा है और हरियाणा का कौन सा राजनीतिक दल कितना तैयार है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो कि करीब करीब सभी के जहन में है। कौन सी पार्टी है जो कि मजबूत स्थिति में है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इन्हीं बड़े सवालों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि सत्तासीन दल का कोई भी सांसद अगर ये कहे कि अगली बार वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाला तो इसके मायने क्या समझे जाए। क्या सांसदों का पार्टी से सरकार से विश्वास घटा है या खुद सांसदों से जनता का विश्वास कम हुआ। साथ ही सांसदों की नाराजगी के साथ साथ सवाल यह भी है, क्या हरियाणा के विधायक सरकार के विधायक सीएम से नाराज भी हैं? और जब सांसदों और विधायकों को अगर सरकार से शिकायत है तो जनता उम्मीदें क्या और कितनी करे कि काम कितना हुआ, ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद बहस करेंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों ही अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते कि दोनों सरकारों ने बहुत काम किया, लेकिन हरियाणा में उन्हीं के कई सांसद ऐसे हैं जो या तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते या फिर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते नजर आए हैं। आपको भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह याद होंगे, उन्होंने सितंबर 2017 में कहा था कि वो इसलिए अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो जनता की उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर पाए। ने ये कहा है कि क्योंकि मैं चार बार विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, बड़ा छोटा क्षेत्र होता है विधानसभा का, लोकसभा में 9 विधानसभा आती है, इसलिए मैं कम से कम सभी लोगों के काम जो मेरे मन में थी जब मैं नहीं कर पाया तो मैं लोगों के ऊपर बगैर बात बोझ पड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कहा भाई मैं लोकसभा नहीं लड़ना। सर ऐसी इसके अलावा भी बीजेपी के कई सांसद हैं जो गाहे बगाहे अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते रहे। इसमें राव इंद्रजीत सिंह और अश्विनी चोपड़ा दो ऐसे सांसद हैं जो सरकार पर कई बार सवाल खड़े करते नजर आए हैं। फालतू पैसा देने की आवश्यकता नहीं, और गांव पहाड़ी का कोई बैठा हुआ चंडीगढ़ के अंदर चाहे पॉलिटिशियन हो या बाबू, वो कहेगा मैं फैसला करूंगा, चुने हुए नुमाइंदे फैसला नहीं करेंगे। नहीं हो सका वो, अब अगली बार जिताएंगे, अगली बार करेंगे, स्टेडियम बनेगा फिर उसके बाद, पहले जिताएंगे ना फिर बना देंगे। हाँ कंडीशनल है, कंडीशन है ये, इनको जिताओगे तो बना देंगे, पैसे खत्म हो गए सारे। हालांकि सरकार हमेशा कहती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विपक्ष इन्हीं बयानों को हथियार बनाकर राजनीतिक मैदान में हर बार कूदता रहा। अब जब चुनाव करीब हैं, तो विपक्ष एक बार फिर से उन्हीं के सवालों से उन्हीं की सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटा है। जैसा कि आपने जो बीजेपी को सजाया पहले समय चुनाव से पहले, अब वही कुछ सांसद जो है चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, तो कैसे मनाएंगे या बातचीत करेंगे, क्या करेंगे सर? नहीं नहीं, वो गाहे बगाहे जो बयान दे देते हैं ऐसा कुछ नहीं। इनके अलावा राजकुमार सैनी खुलेआम मुखर नजर आते हैं, वो हर मंच से सरकार के खिलाफ बोलते हैं। वो अलग बात है कि वो अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, ये भी निर्विवाद सच है। तो बीजेपी सांसदों की शिकायतें भले ही पुरानी हों, लेकिन विपक्ष के लिए चुनावी मुद्दा जरूर होगा। वो पूछेगा जरूर कि जब आपके सांसद ही कहते हैं, आपके नेता ही कहते हैं कि काम नहीं हो सका, तो आप कैसे कहेंगे कि सरकार ने काम किया और अच्छे दिन आए। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।
बिल्कुल, सरकार के सांसदों और विधायकों की नाराजगी को लेकर चर्चा करेंगे और चुनाव लड़ने से परेशानी क्या हो सकती है, क्या सरकार में किसी तरह की दिक्कतें, परेशानियां या मतभेद हैं जो कि बयानों के जरिए गाहे बघाए सामने आते हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा को लगता है, उसी को लेकर चर्चा करेंगे। क्या पार्टी से विश्वास कम हुआ है पार्टी के सांसदों का, या फिर सांसदों से ही जनता का विश्वास कम हो चुका है जिसकी भनक सांसदों को है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, डॉक्टर आनंद सिनवारिया हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, केवल ढिंगरा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रणदीप घनघस हैं इस चर्चा में, और राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य जी हैं, सबका स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे बीजेपी से। सनवारिया साहब, क्या लगता है क्यों एक सांसद को ये नौबत आ जाती है कि ये कहना पड़े कि लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे? ज्योति जी, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था और जो मेरे माननीय संसद सदस्यों ने बात बताई आपकी रिपोर्ट में, आप इसको अनथ्या ले रही हैं। उन्होंने कहा कि ये देखिए 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी है एमपी इलाके में, और मैं 4 बार एमएलए रहा हूँ कि वो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी को जितना नरिश कर पाना चाहते थे उतना 9 को नहीं कर पाए, वो कंपेयर कर रहे थे, तो उसमें कोई ऐसी अजीब सी बात नहीं आपको मुझे दिखाई दी। क्या तो, चुनाव लड़ने से पहले जानकारी नहीं थी कि 9 विधानसभा हलके हैं इस लोकसभा से? नहीं, नहीं, वो पूरी थी, वो तो कंपेयर कर रहे हैं कि मैं 4 बार एमएलए रहा हूं और पहली बार यहां मैं एमपी रहा हूं, तो उनका बस चले। ये देखिए मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्टेट्स में वो राज्य कर रही है, सबसे ज्यादा एमपी उसके हैं, सबसे ज्यादा एमएलए उसके हैं। जो चुनाव आएंगे किसने कहा तो एमपी नाराज कैसे है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि सत्तासीन दल के ही सांसद ये कहें। हम देखो नाराजगी की, देखिए इतना बड़ा कुनबा है और डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारी पार्टी में, किसी दूसरी तरह के डिक्टेटरशिप या फैमिली अफेयर नहीं है हमारी पार्टी में, कोई भी अपना विचार उजागर कर सकता है मीडिया के सामने, जब कहीं भी कर सकता है, कोई फिक्र की बात नहीं। जब समय आएगा इलेक्शन का तो उस वक्त देखा जाएगा, पार्लियामेंट कमेटी हमारा इलेक्शन बैठेगा और जिसको जो जो जिम्मेवारी दी जाएगी वो करेगी, और फिर भी 2019 में हमारी सरकार बनेगी बड़ी बहुमत के साथ में। अत्री साहब, बीजेपी की सरकार बनेगी, सांसद भले ही कुछ कहते रहे गाहे बगाहे। देखिए इसको कहते हैं एक अति उत्साही बयान, जैसे डॉक्टर सनवारिया ने कहा। देखिए इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा एमपीज हैं, इससे भी किसी को मेरे ख्याल से कोई वो एतराज नहीं होगा कि ज्यादातर स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन इसके साथ साथ एक सच्चाई ये भी है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे विधायक हो, लगातार सरकार की गलत काम कारगुजारी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जो चुनाव लड़ने में क्या एतराज है, जैसे कि आपने भी कहा क्या परेशानी है, तो परेशानी यह है ज्योति जी कि उनको स्पष्ट नजर आ रहा है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जनता उनको वोट नहीं देगी, या यूं कहिए कि वो किस मुंह से जाएंगे जनता से वोट मांगने, ये सबसे बड़ी परेशानी है। और अकेले धर्मवीर जी की बात नहीं है, आपने दिखाया अश्विनी चोपड़ा जी के बारे में, आपने राव इंद्रजीत जी के बारे में कहा, लेकिन इसके साथ विधानसभा के अंदर इनके खुद के विधायक, चाहे अम्बाला शहर से जो इनके विधायक है उनकी बात कहें, चाहे मूलचंद शर्मा जी की बात कहें, जो लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और जो अम्बाला शहर के विधायक तो बड़ा स्पष्ट कह रहे थे कि जो है स्वास्थ्य विभाग के अंदर बाकायदा अस्पताल के बारे में उन्होंने कहा कि हरियाणा अंबाला शहर के अस्पताल के बहुत बुरे हालात हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। तो कहीं ना कहीं एक घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में, मेंबर पार्लियामेंट्स में, वो इस सच्चाई को जानते हैं कि जिस तरह का वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना हुआ है और सरकार ने जिस तरह से 3.5-4 साल के इस कार्यकाल के अंदर इस प्रदेश को पीछे की तरफ धकेला है, बाकायदा मैं तो ये कहूंगा बर्बाद किया है, तो उनको ये घबराहट है कि वो जनता के बीच जाके किस मुंह से वोट मांगे। और यही कारण है कि वो ये बात कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है कि हारने का डर है। डेफिनेटली वो हारने का डर है, तभी तो एक नेता ये बात कहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बात कर ली जाए, राव इंद्रजीत की बात कर ली जाए, या वीरेंद्र सिंह की बात कर ली जाए, आपकी पार्टी से ये लोग बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन कई बार सरकार के खिलाफ और बीजेपी पार्टी के खिलाफ ये लोग बोले। नहीं देखिए, ये सिर्फ यही नहीं, और भी आपको बताऊं, 18 एमएलए जो हैं वो मुखर होके इस सरकार के, बीजेपी सरकार के ही खिलाफ बोले, और 18 एमएलए में अभी जो पिछले हाल ही में कुछ दिन पहले असीम गोयल ने कहा कि हमारे इलाके के काम नहीं हो रहे, सीमा त्रिखा ने ये कहा कि हमारा जो है काम नहीं हो रहे यहाँ पे, इसी तरह से 18 एमएलए जो है अलग अलग टाइम पे ये बात कहते हैं कि काम हमारे नहीं हो पा रहे। और एमपी आप देखें, धर्मवीर जी भी ये कहते हैं कि अगर 9 विधानसभा हलके हैं तो जब मैं उनमें काम ही नहीं कर पाया तो फिर मैं क्यों लड़ूंगा, मैं विधानसभा लड़ना चाहता हूं। तो इसी तरह राव इंद्रजीत भी ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो चंडीगढ़ से चलती है तो हमारे तो पता ही नहीं है, उस इलाके में उनका कोई काम नहीं हो पा रहा।
तो करनाल से जो है कुरुक्षेत्र के एमपी हैं जो राजकुमार सैनी, उनकी तो एक वो तो सीधे सीधे एक शब्दों में कह रहे हैं सरकार मुझे चाहे आज सस्पेंड कर दे, लेकिन वो पार्टी बनाने की घोषणा भी कर चुके हैं कि 15 अगस्त को नई पार्टी की ऐलान में कर दूंगा नई पार्टी का। उन्होंने जिस तरह से जातिवाद को हरियाणा में लड़ाया, जिस तरह से जाट रक्षण के दौरान कितनी आगजनी हुई और कितना नुकसान हुआ हरियाणा का, वो भी इन्हीं के एमपीओ की देन है। और जिस तरीके से हरियाणा जो है इनके कार्यकाल में 3.5 साल में जो हालात बने, वो अपने हालात की सवारिया जी जिक्र करें कि 3.5 साल में क्या खोया क्या पाया। हाँ। तो वो इसी करके ही ये चीज चाहते हैं कि हम इससे बेटर कि हम इस पार्टी में अगर कोई काम ही किसी के नहीं होने तो बेटर है कि ना लड़े। अनिल आर्य जी, क्या सांसद काम नहीं करवा पाए जिसका डर है? ज्योति जी देखिए, सांसद जो काम करवाने का एक तो ये तरीका ही गलत है कि सांसद की जिम्मेवारी काम करवाने की होती है, सांसद की जिम्मेदारी पॉलिसी बनाने की होती है, कानून बनाने की होती है। इनको सांसदों को यही नहीं पता कि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, बीजेपी का कोई भी सांसद आज दो को छोड़ के, एक ही छोर पर है रतन लाल कटारिया जी और एक दूसरे छोर पर है कृष्ण पाल गुर्जर जी, इन दो को छोड़कर किसी की भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। 3 आदमी तो ऐसे हैं जैसे हिसार, रोहतक और सिरसा, जहां पर कैंडिडेट ही नहीं है अभी, नजर नहीं आते। कैंडिडेट तो जरूर आएंगे सामने कि कोई मजबूत उम्मीदवार इनका बीजेपी का हो। और जैसे राजकुमार सैनी जी तो कन्फर्म कर चुके हैं कि मैं पार्टी छोड़ ही दूंगा, अश्विनी जी कह चुके हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं जो है अगली बार का उम्मीदवार नहीं हूँ। धर्मवीर जी कह चुके हैं कि मैं आपकी बार जो है विधानसभा लड़ूंगा, तो शाम से लड़ूंगा मैं विधानसभा लड़ूंगा। और रमेश कौशिक जी की सोनीपत में स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। तो इस हालात में जब कोई भी सांसद दो को छोड़ के चुनाव लड़ने का इच्छुक ही नहीं है तो पार्टी की स्थिति क्या है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब है नरेंद्र मोदी के अलावा। अगर नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए नहीं आते हैं तो कोई भी सांसद जीत नहीं पाएगा। सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि पार्टी पीछे है, नरेंद्र मोदी जी आगे हैं, नेतृत्व तो आगे है, पार्टी की नीतियां पीछे हैं। और मैं हरियाणा की सरकार की बात करूंगा, खासकर राज्य सरकार की, कोई भी ऐसा कंक्रीट काम इन्होंने नहीं किया है जिसके ऊपर ये वोट मांग सके। कोई पिछली सरकारों ने भी कोई बहुत अच्छे काम नहीं किए हैं, कोई बहुत सरकार कहती है कि काम किया गया, विकास किया गया, ऐतिहासिक काम किया गया, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लोगों को नजर आए। मैं चौधरी बंसीलाल को याद करता हूँ, उन्होंने 1970-1968 से लेकर जो 1972 तक ऐसे काम किए जो लोगों को प्रैक्टिकल दिखते थे। चारों तरफ नहरें बन रही थी, सड़कें निकल रही थी और जो है बिजली आ रही थी। चौधरी देवीलाल को मैं याद करूंगा जब उन्होंने सोशल सिक्योरिटी की पेंशन की, वो काम नजर आया। सरकार अगर कहती है तो काम नजर भी आए, जो नजर आ रहे हैं ये तो गीता, गायत्री, सरस्वती, इन चीजों में उलझे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं, रोजाना सम्मेलन हो रहे हैं। अत्रे साहब देखिए, आपने जैसे कहा कि कोई भी ऐतिहासिक काम नहीं किया गया, हालांकि सरकार जो है वो ये कहती है हमने बहुत ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इतिहास तो बनाए हैं ज्योति इन्होंने, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हरियाणा में इतिहास बनाया है, पहला इतिहास इन्होंने ये बनाया कि 3 साल में 3 बार इस प्रदेश को जलाया, ये एक इतिहास है। कोई सांसद ये कहे कि वो काम नहीं करवा पाया तो ये जनादेश के साथ भी, जनता के साथ भी अपने आप में धोखा है कि अगर आप काबिल नहीं थे, आपको लगता है कि 9 विधानसभा हल्के हैं किसी लोकसभा सीट में, तो ये जानकारी पहले से भी है, क्या उसके बाद पार्टी से विश्वास कम हुआ या पार्टी बदलने की मंशा है, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं खास पैनल के साथ। अत्रे साहब, क्या लगता है, क्या पार्टी से ही विश्वास कम हुआ है या पार्टी पूरी ही सरकार पर से जनता का विश्वास कम हुआ है कि अगर आप इस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जाएंगे तो जीत मिलना मुश्किल होगा? देखिए, निश्चित रूप से पूरी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से जनता का विश्वास कम हुआ है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मेंबर पार्लियामेंट बेहतर समझ चुके हैं कि अगर वो जनता में जाएंगे वोट मांगने के लिए तो उनके साथ जिस तरह सरकार ने पिछले 4 साल में जिस तरह का कार्यकाल रहा, तो उनके पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको बता के वो वोट मांग सके। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि इनके ऐतिहासिक कामों का जिक्र कर रहा था, उसके अंदर बहुत से, देखिए इस हरियाणा प्रदेश में जहाँ का भाईचारा इतना मजबूत था, इतना सुदृढ़ था, भारतीय जनता पार्टी ने उस भाईचारे में आग लगाने के लिए पुरजोर कोशिश की। जात पात के नाम पर प्रदेश की जनता को आपस में लड़वाने की कोशिश हुई, यह भी इनका एक ऐतिहासिक कार्य है। इसके अलावा देखिए, बार बार एक बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कही गई कि प्रदेश में बहुत विकास हो रहा है, खासतौर पर जब बात करते थे कि हमने प्रवासी सम्मेलन किया, हमने इंडस्ट्रीज को बुलाया, इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आ रही है, और झूठे आंकड़े भी देने की कोशिश हुई। लेकिन आज के अखबार के अंदर एक रिपोर्ट है जिसमें बाकायदा यह कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, जहां पर औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स नहीं बिक रहे,
क्यों नहीं बिक रहे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। कोई भी आदमी हरियाणा में उद्योग लगाना नहीं चाहता और उसका बहुत बड़ा कारण है हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था। जिस तरह के हालात कानून व्यवस्था में हरियाणा प्रदेश के, ज्योति आपने भी देखा, अक्सर चर्चा भी हुई है, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध की बात करें, चाहे बलात्कार की बात करें, चाहे गैंग रेप्स की बात करें, चाहे लूट डकैती हत्या की बात करें, तो इस तरह के लचर हालात और इतना के बुरे हालात है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, नया उद्योग नहीं लगाना चाहता। और इसी वजह से जो युवाओं के साथ रोजगार के मामले में धोखा हुआ, उसका एक बड़ा कारण भी ये है कि नए उद्योग नहीं आ रहे हैं तो रोजगार जो है पैदा नहीं हो रहे हैं। सरकारी नौकरी में उनको नौकरी नहीं दी जा रही है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपॉइंटमेंट हो रही है। क्या आप लोगों ने विकास नहीं करवाया जिसका डर है? विकास नहीं करवाया गया क्या, या फिर काम नहीं करवाया गया सरकार की ओर से? ज्योति जी, मैं प्रवीण जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, इनका प्रवचन, इनका हक बनता है। एक फ्रस्ट्रेटेड या निराशजनक विपक्ष का काम है ये करना, लेकिन सांसदों का हक कैसे बनता है? क्या पार्टी से सरकार से विश्वास कम हुआ? पहला सवाल इस चर्चा का, जो कि लगातार बरकरार है। मैं आपका सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं कि मेरी पार्टी को विश्वास 2.5 करोड़ हरियाणा निवासियों पे है। इन्होंने जो इतिहास गिनाने की बात करते, अगर मैं इतिहास गिनाना शुरू कर दूं कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे कहना नहीं चाहिए कि वो इतने सीनियर हैं कि वो जेल में ही रहेंगे सारी उम्र। जितनी करप्शन इनके राज्य में हुई, जितना डिस्ट्रक्शन के राज्य में हुआ, ठीक है, ये तमाम चीजें इनके शासन काल के दौरान हुई। ये लोग सरकार से गए, आप लोगों को जनादेश मिला, लेकिन आपके सांसद ही अगर विश्वास नहीं रखते इस बात पे कि वो काम नहीं करवा पाए। हाँ, वो कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं करवा पाए। कोई सांसद, कोई एमपी इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि वो काम करवाना चाहे, विकास करवाना चाहे, वो करवा ना सके? हाथ किसने बांधे सर? अभी वो कमजोर नहीं, अभी विशेषज्ञ हमें बता रहे थे कि एमपी का काम कुछ और है, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ और है, सारे काम नहीं हो पाते हैं। और जिस हालत में स्टेट जो भी काम है जितना का, उसे बहुत टेक्निकल ना हो कि पब्लिक यही समझेगी कि वो काम करवा पाए या फिर नहीं करवा पाए। जिस हालात में स्टेट, जिस हालात में स्टेट हमें मिला था, उस स्टेट को जितना भी काम कर पाए हैं हम, तो वो बहुत ज्यादा है। और आने वाले इलेक्शन में क्या लगता है बीजेपी की स्थिति क्या है फिलहाल 2019 से पहले? ज्योति जी, पहले तो आपको एक इस प्रसंग में मैं बताता हूँ धर्मवीर जी के बारे में। उनको हरियाणा का राजनीति का मौसम विशेषज्ञ कहा जाता है, कि जब भी मौसम की जानकारी जैसे विशेषज्ञ लगा लेते हैं अगले 2 दिन में बारिश होगी, धर्मवीर जी ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाली सरकार किसकी होगी। अब उन्होंने कहा मैं संसद का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, यानी विधानसभा से पहले हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, तो वो लोग उस चुनाव में वो स्थिति देखेंगे। और ना उन्होंने ये कहा कि विधायक का चुनाव भी मैं बीजेपी से लड़ूंगा, उन्होंने पत्ते नहीं खोले किस पार्टी से लड़े। वो उस चुनाव के बाद स्थिति देख के और उसके बाद पता चलेगा कि वो राजनीतिक मौसम विशेषज्ञ के तौर पे किस पार्टी में जा रहे हैं, या बीजेपी से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का चुनाव भी, और बीजेपी उनको टिकट भी देगी या नहीं देगी। ये भी स्थिति अभी खुली हुई नहीं है कि वो लोकसभा के टिकट में, क्योंकि बीजेपी का शायद बहुत लोगों को जानकारी है, पिछले दिनों से बीजेपी एक सर्वे करवा रही है किसी एजेंसी से कि हमारे वर्तमान सांसदों की क्या रिपोर्ट रही है, तो उस रिपोर्ट में हो सकता है उनको 0 नंबर मिले या 1 नंबर मिले या 10 मिले, ये तो अभी खुलासा नहीं है। उन्होंने अनुमान लगा लिया, हो सकता है टिकट ही ना मिले लोकसभा की, स्थिति तो वो भी है ना, कई स्थितियाँ हैं इसमें। लेकिन उनकी ये अच्छी बात है कि वो हर चुनाव में पहले अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाली सरकार किसकी होगी, उसी के अनुसार वो अपना पैतरा चलता है। अत्री साहब, क्या मौसम जो है, कहा गया कि मौसम का अनुमान लगा लेते हैं, क्या बीजेपी के अनुकूल नहीं फिर? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी के अनुकूल नहीं है, तभी तो विधायक और मेंबर पार्लियामेंट इस तरह के बयान दे रहे हैं, तभी तो वो चुनाव से बचने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के अनुकूल और ना अनुकूल की बात ना करें ज्योति, बेहतर यह है कि हम इस ढंग बात को इस ढंग से करें कि इस वक्त माहौल बीजेपी के पूरी तरह से खिलाफ है। हरियाणा का एक एक मतदाता इंतजार कर रहा है चुनाव का सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वायदा खिलाफी बहुत बड़ी हुई है। देखिए, जिस तरह से प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त जो वायदे किए थे, जो वायदे करके जनता से वोट लिया था, एक भी वायदे की तरफ मुड़ के नहीं देखा। और मुझे तो हैरानी होती है, डॉक्टर सनवारिया बहुत बुजुर्ग हैं और ये कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, साहब वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में नहीं है, वो नौकरियां देने के मामले में एक षड्यंत्र रचा गया, पूरा प्रदेश की जनता जानती है किस षड्यंत्र के तहत उनको जेल हुई। लेकिन आपके, मैं कहना नहीं चाहता था, मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे तो तड़ी पार हुए थे कोर्ट से, हत्या का आरोप बहुत बड़ा जुर्म होता है, इसलिए आप ये बातें ना कहिए, बेहतर होगा। लेकिन चर्चा ये है कि आपके मेंबर पार्लियामेंट और आपके विधायक चुनाव लड़ना नहीं चाहते, और स्पष्ट कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रदेश को जलाया, जिस तरह से भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की, जिस तरह से नौकरी के नाम पे
युवाओं के साथ धोखा किया, जिस तरह से तनख्वाह बढ़ाने के नाम पे कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ, ये सब ऐसे मामले हैं कि आज प्रदेश की जनता, युवा इंतजार कर रहा है चुनाव आए और उनको सबक सिखाया जाए। ऐसा भी रहा कि वादे बहुत बड़े बड़े कर दिए गए जिनको पूरा करना या तो मुश्किल रहा सरकार के लिए या फिर मंशा नहीं रखी पूरा करने की? बिल्कुल, देखिए 154 वायदे थे इनके मैनिफेस्टो में और वो सारे के सारे वायदे आज धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा था पंजाब के समान हम वेतन मान देंगे, वो रह गया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाएंगे, वो रह गया। इसी तरह से और बड़े बड़े सारे वायदे किए थे जो इनके 154 वायदे सारे। सवाल हमारे कार्यक्रम में कहा गया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सभी सिफारिशों की बात ही नहीं की थी, लागत से डेढ़ गुना की बात की थी। नहीं, एक्चुअली में मैनिफेस्टो की कॉपी, मैनिफेस्टो की कॉपी आप ज्योति पढ़े, घोषणा पत्र में बाकायदा लिखा गया है लागत का 50% लाभ देंगे। आज धनखड़ साहब अगर ऐसा बयान देते हैं तो ये झूठ है बहुत बड़ा। वायदा 50% लाभ देने का था, लागत से डेढ़ गुना देने का वादा, बिल्कुल वायदा था और स्पष्ट लिखा गया था। रिपोर्ट हम लागू करेंगे नहीं कहा गया, ये धनखड़ साहब आज कहते हैं आज की तारीख में। देखिए इसमें 2308 करोड़ का बजट था हमारी सरकार में, जब चौटाला साहब ने छोड़ा था और कांग्रेस की सरकार आई थी। जिस समय हमने छोड़ा तो 38,000 करोड़ बजट था। आप ये देखिए वो 125 गुना बजट था और इस तरह से हमने हरियाणा के अंदर 10 साल में विकास किया था। अब वो चीज अब नजर नहीं आ रही। आप ये देखे बिजली के यूनिट्स लगे थे उस समय, सड़कें बनी थी, नहीं आई थी सर, ऐसे कैसे कह देंगे? जनता को नजर आई थी ना, जनता को नजर आई थी, इसीलिए दोबारा सरकार चुनी गई हरियाणा के अंदर। दोबारा सरकार हमारी पहली बार चुनी गई थी, ये इतिहास है। 66 के बाद 10 साल के बाद 10 साल हुए कैसे? 10 साल के बाद चुनाव नहीं आता ज्योति जी? चुनाव कितने साल के बाद आता है बताइए? चुनाव कितने साल के बाद आता है? 5 साल के बाद आता है। अगर 5 साल के बाद चुनाव अगर हमने अच्छा काम किया था तो दोबारा सरकार हमारी आई। हमने जो काम किया उसलिए 10 साल के लिए हमारी सरकार आई, ठीक है, उसके बाद हमने काम किए थे। ये बजट हमारा प्रूफ है कि जो 2300 करोड़ का बजट था वो 38,000 करोड़ का 125 गुना हुआ। आज की डेट में ये थी, अगर उसका 1/3 भी लगाए तो 3 गुना हुआ बजट, वो 3 गुना हुआ। काम होते हैं तो अमाउंट बढ़ती है। देखिए पहली बात तो ये जो रिपीट की बात हो रही है, सेकंड टाइम में लोगों ने क्लियर मैंडेट कांग्रेस को नहीं दिया था। वो जोड़ तोड़ की सरकार थी, पूरा प्रदेश जानता है, इसलिए रिपीट की बात ना कीजिए। दूसरी बात, जो बार बार एक बार, अरे तो आपको मैंडेट नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिली, सरकार बनाई थी भाई, आपको मेजोरिटी नहीं मिली थी। रिपीट का मतलब होता है कि आपको मेजोरिटी नहीं मिली जनता ने, आपने दल बदल करवाया, आप रखा हुआ हज का दल बदल करवाया, तब आपने सरकार बनाई। वो किसे आप बात पर? देखिए हजीरा वाले विधायक को सनवारिया जी ने भी ये बात रख दी, सनवारिया जी ने भी ये बात रख दी कि आपके नेता इस समय कहाँ है और क्या क्या काम उसको रिपीट मत। हरियाणा इस पर चर्चा करेंगे बेहतर हमारे लिए, दर्शकों के लिए। दर्शकों का समय बहुत कीमती है, हम सबका समय भी बहुत कीमती है। तो जो पिछले मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना करके कि क्या बीजेपी सरकार काम नहीं करवा पाई, घनगर साहब जो सरकार के विधायकों का कहें कि सीएम से शिकायतें इस तरह की निकलकर सामने आ रही है, कार्यकर्ता भी कई बार नाराज हुए नजर आते हैं सरकार से। देखिए सरकार से तो कार्यकर्ता भी नाराज नजर आते हैं, सत्ता पक्ष उस ढंग से नहीं चल रही जिस ढंग से चलनी चाहिए। लोग हर किसी पार्टी के कार्यकर्ता की सरकार से अपेक्षा होती है कि मेरे पर्सनल काम भी हों, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई किसी का पर्सनल काम कोई नहीं, सिफारिश नहीं चलेंगी। अब चलती है या नहीं ये तो राम जाने या वो जाने, लेकिन कार्यकर्ता तो ये चाहता है ना कि मुझे सामाजिक काम से क्या लेना है, और खासकर हरियाणा में मुझे अपने पर्सनल काम चाहिए। अगर पर्सनल काम नहीं हो रहे तो कार्यकर्ता नाराज होगा ही जे। और विधायक भी नाराज होंगे जब उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं होंगे। मान लो अगर थाने में ना सुनी जाए किसी विधायक की तो नाराजगी तो होगी ना। खबरें ये भी थी, एक सुगबुगाहट देखी गई कि चिट्ठी लिखी गई सीएम के खिलाफ, विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, विधायकों में नाराजगी है अपने सीएम को लेकर।
देखिए ज्योति जी, अभी तो ये पिछले दिनों स्पष्ट ही हो गया था, जब यहाँ पे ऑब्जर्वर जी आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ही मुख्यमंत्री के बारे में सारी बातें मंत्रियों ने कही हैं। लेकिन पिछली बार भी लगभग 17-18 विधायक तो स्पष्ट रूप से और कुछ जो है अस्पष्ट रूप से वो मुख्यमंत्री से नाराज़ थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो जिन्होंने मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाए थे संतोष सारवण जी का है, और वो स्पष्ट उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल नाराज़ हूँ उनसे। नाराज़गी की बात यह है कि जब भी किसी भी MLA के काम नहीं होंगे, काम होने का मतलब है कि उसके निजी काम भी और वर्कर्स के काम भी, इन्होंने पब्लिक के कामों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन जो काम इनके निजी नहीं होंगे तब ये सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं। और सांसद मना कर चुके हैं, और बीजेपी भी ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए उम्मीदवारों को उतारा जाए। नए उम्मीदवारों से एक तो नाराज़गी नहीं होती है, उनके जो पुराने काम होते हैं उनसे कोई वो नहीं होता है कि नए आएंगे तो नरेंद्र मोदी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ जाएंगे। तो ये भी हो सकता है पार्टी का कि नए कैंडिडेट लेके आए। तो सांसद अगर चुनाव लड़ने से इनकार करे तो परेशानी कहाँ है, क्या सरकार से विश्वास घटा, जो कि बहुत शुरुआत से आज हम कह रहे हैं। साथ ही इसी डिबेट को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, वहां भी हम इसको लाइव दिखा रहे हैं। साथ ही सवाल भी आप कर सकते हैं इसी मुद्दे से जुड़ा कि क्या परेशानी है कि एक नहीं कई सांसद, सरकार के सांसद अगर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, क्या सरकार काम नहीं करवा पा रही, क्या जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं कर रही। खास पैनल है हमारे साथ जिसके साथ चर्चा हम कर रहे हैं, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सनवारे साहब, धर्मवीर सिंह जो है एकमात्र सांसद नहीं है, उसके अलावा राजकुमार सैनी की बात कर ली जाए, वो मुखर रहे हैं, बहुत शुरुआत से आपकी सरकार के खिलाफ बोले हैं, वो अलग पार्टी बनाने की बात भी कर रहे हैं, वो तारीख का ऐलान भी कर चुके हैं, फिर बीजेपी परेशान क्यों है उनको निकालने में? नहीं देखिए, मैंने ये कब कहा, वो मुखर हैं और वो मेरी पार्टी में ही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हमारे मेंबर्स अपनी बात रख सकते हैं, किसी और पार्टी में ऐसा बात नहीं है कि वहां उनके लीडर में जो वो परिवारवाद की पार्टियां हैं नहीं, कांग्रेस में भी रखते हैं, कांग्रेस में हमने देखा दिल्ली में जो उन्होंने किसान यात्रा करके राहुल गांधी पहुंचे। अगर इस तरह से बात रखने को कहते हैं, आप मीडिया के सामने आ गए, पूरी ही जनता के सामने जानकारियां हैं, क्या पार्टी का कोई और नहीं है प्लेटफॉर्म जहां पे बात हो सके? नहीं नहीं, सारे तरह के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, और लेकिन इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे कि मुझे मेरे साथी बताए जा रहे हैं कि MP पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला, ये सोचकर आप लोग एक्शन लेंगे कि पार्टी को नुकसान होगा या फिर नहीं होगा? देखिए, एक्शन लेना जब वो प्रकाश, ऐसा है ज्योति, बड़ी हैरानी होती है कि राजकुमार सैनी वो मेंबर पार्लियामेंट है जिन्होंने प्रदेश के अंदर आग लगाई, प्रदेश का भाईचारा बिगाड़ने के लिए पूरा जोर लगाया, और वही राजकुमार सैनी है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जींद में रैली करने आते हैं, रैली फ्लॉप होती है तो राजकुमार सैनी जी उसके ऊपर भी अपनी तरफ से कमेंट करते हैं। राजकुमार सैनी वो मेंबर पार्लियामेंट हैं जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में भी बयान दिए, मंत्रियों के खिलाफ भी बोला, और उसके बावजूद सोचने वाली बात यह है ज्योति, ना तो राजकुमार सैनी भारतीय जनता पार्टी छोड़ते, ना ही भारतीय जनता पार्टी राजकुमार सैनी को पार्टी से निकालती। अब समझ सकते हैं कि ये खेल क्या है, कहीं ना कहीं तो जब प्रदेश क्या जलाया गया, जब प्रदेश के बारे में पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा, ये भी अब आप बताइए कि वो पार्टी लाइन के खिलाफ बोलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बोलते हैं, उनको निकालते हैं, वो खुद पार्टी छोड़ते हैं, तो मैं कहूंगा बोलिए बोलिए, स्टेज के ऊपर एक दिन प्रवीण जी का और सैनी जी का संवाद हुआ था और वो सारा रिकॉर्ड पे है, उसके आगे मैंने कुछ नहीं कहा। तो मैंने भी उस वक्त भी यही बात कही थी कि ना तो वो पार्टी छोड़ते, ना पार्टी उनको निकालती, ऐसा आपस में क्या साठ गांठ है सरकार से परेशानी, प्रदेश के बारे एक्शन लिया गया सांसद की ओर से सिवाय भाषणों के, बयानबाजियों के अलावा और कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही सरकार की ओर से एक्शन लिया गया। ज्योति, दोनों नहीं चाहते कि बाई इलेक्शन हो, दोनों यही चाहते हैं कि बाई इलेक्शन से बचें। अगर राजकुमार सैनी जी इस्तीफा देते तो वहां पर बाई इलेक्शन होगा, और बाई इलेक्शन राजकुमार सैनी जी को लड़ना पड़ेगा, वो भी इस बात से बचना चाहते हैं कि मैं पहले ही पोल पट्टी ना खुल जाए, मैं कुरुक्षेत्र में ही ना हार जाऊँ, और इसी बात से बीजेपी वाले डरे बैठे हैं कि अगर कुरुक्षेत्र में चुनाव हुआ तो इनका कैंडिडेट की जमानत जब्त ना हो जाए। तो दोनों की स्थिति यही है, इसीलिए फायदा इस बात में उन्होंने कहा ना कि इलेक्शन से मैं ठीक 5 महीने पहले इस्तीफा दूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा, अगर नई पार्टी बनानी है तो आज बनाओ। और अगर इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर को बोल रहे हैं, ये है कि वो PM के खिलाफ नहीं बोल रहे,
पीएम के खिलाफ उन्होंने ज्योति जी आपको याद नहीं, उन्होंने स्पष्ट बोला कि प्रधानमंत्री जी ना तो मुझे मिलने का समय दे रहे हैं और ना ही मेरी बात संसद में सुनी जा रही है और ना ही स्पीकर मेरे क्वेश्चन वहां पर ले रहे हैं। इससे बड़ा और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ क्या बोलेंगे वो, उन्हीं की पार्टी के सामने बोलने का वक्त नहीं दिया जाता। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाईकमान के खिलाफ एक सांसद बोलता है, पार्टी को डर लगता है एक्शन लेने में। और हरियाणा की सरकार को तो नपुंसक सरकार कहते हैं, 50 जगह कह चुके हैं स्टेजों से। नहीं देखिए, जहां तक राजकुमार सैनी का सवाल है, आपको ये बताऊंगा मैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, उन्होंने सैनी साहब के ऊपर हाथ रखा हुआ है। इसी वजह से वो जो मर्जी बोल देते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं आता। आप ये देखिए, उन्होंने जब ये सीधा सीधा कह दिया पार्टी कल निकालती मेरे को आज निकाले, तो पार्टी ने एक्शन तो लिया नहीं उनके ऊपर। इसका मतलब सीधा है कि जो ऊपर से उनके ऊपर आशीर्वाद जो है, वो ऊपर का शीर्ष जो एजेंडा अलग है उनका है, और एजेंडा जो है वो ये है कि हरियाणा को आपस में किस तरह से जातिवाद में लड़ाया जाए। और जो उन्होंने काम किया 4 साल के अंदर, जिस तरह से जातिवाद के लिए उन्होंने लड़ाया, वो प्रसिद्ध हो गए इस काम के लिए। और वो इस प्रसिद्धि का लाभ उठाने के लिए जगह जगह रैलियां करते हैं, जगह जगह एक तरह से जाति को भिड़ा के उस तरह से वो अपना संवाद पेश करते हैं, और भाजपा उसके ऊपर, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती, सिर्फ एकमात्र ये कह देती है कि हमने उनको नोटिस दे दिया। अब नोटिस देने से अगर काम होता हो तो इसका मतलब भाजपा के अंदर जो है वो सारे दल एक तरह से जातिवाद को फैला रहे हैं और इसी तरह से वोट लेने की बात चेष्टा कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रामलाल शर्मा ने कहा कि सांसद यूं ही गाहे बगाहे इस तरह के बयान देते रहते हैं, क्या राजकुमार सैनी के बयान भी उन्हीं बयानों में शामिल हैं जो यूं ही दे दिए गए? देखिए, सैनी साहब जो बयान देते हैं, और अभी मेरे साथी बताया कि इन्होंने कि उनका तो आग लगाने का या कुछ करना, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के स्टेटमेंट कहना कि वो आग लगाने की बात कर रही है, वो जातिवाद फैला रहे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट में जिक्र किया गया था, हड़ताल भाषण दिए गए, कल ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं भाषण सुन रहा था, कल आपका जो प्रिलिमिनरी हुआ था कि हमें विपक्ष जो पार्टी है वो देश में आग सर बीजेपी पर रही है ना, बीजेपी पर रही है, राजकुमार सैनी पर रही है, आपके सांसदों पर रही है, वो पार्टी जो नोटा से भी कम वोट लेकर के इलेक्शन लड़ती है एमपी का, तो इस तरह की बातें कर रहा एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर, मुझे तो अच्छा नहीं। क्या राजकुमार सैनी जो कहते हैं यूं ही कह देते हैं, इस बात का जवाब नहीं आया? देखिए, यूं ही कह देते का मतलब क्या कि उन्होंने अपने सेंटिमेंट बताए, उन्होंने अभी कह रहे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट बोलते, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब आए तो ये आप लोग कहते हो सबका साथ सबका विकास हुआ, आपके सांसद कहते हैं नहीं हुआ, भेदभाव हुआ, आप लोग दावा करते हो पारदर्शिता के साथ भर्तियां की गई, वो कहते हैं नहीं की गई, आपकी सरकार के जो बड़े दावे और वादे हैं, जो उपलब्धियों की फहरिस्त आप लोगों को नजर आती है, आपकी पार्टी के सांसद को नजर नहीं आती? नहीं बिल्कुल, वो तो हमारे सांसद को भी नजर आ रही है, जनता को भी नजर आ रही है, सबका साथ सबका विकास हुआ है। नहीं, सांसद तो कहां नजर आए, तो उस तरह से एक्चुअली पैरामीटर हर एक का, एक इलेक्शन आएगा, जो इलेक्शन आने वाला है, जो आज का डर आप जो कह रहे हैं कि सारे सांसद डर गए, सारे एमएलए सवाल बहुत सीधा है, उम्मीद है आपसे सीधा जवाब इसका देंगे। अत्री साहब, जिस तरह से सवाल पूछा जाए कि सांसद को क्या परेशानी है और सरकार को क्या परेशानी है उस सांसद को बाहर निकालने से, इसका सीधा जवाब बीजेपी की ओर से नहीं आता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधा जवाब आ भी नहीं सकता, क्यों, कहने सुनने के लिए बचा कुछ नहीं है। अभी आपने भर्तियों में पारदर्शिता की बात की, आपको याद होगा ज्योति, विधानसभा में भी ये मामला उठा था, HSSC के जो चेयरमैन है भारत भूषण भारती, उनकी एक ऑडियो आई थी जिसमें बाकायदा 75 लाख रुपया लेने की बात थी। जब वो चेयरमैन साहब इस तरह के भ्रष्टाचार में संलिप्त है और ऑडियो में बाकायदा ये बात कही गई है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भर्ती पारदर्शिता से हुई? और जब सरकार से ये बात कही जाती है विधानसभा में कि इसकी जांच करवाए, तो मुख्यमंत्री जी उनको क्लीन चिट दे देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कहीं बराला साहब ने तो एक दिन पहले दे दी थी, बराला साहब ने एक दिन पहले दे दी थी, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये बात बोल दी थी कि मैं बहुत पुराना जानता हूं, उनके खिलाफ किसी तरह कोई कंप्लेंट नहीं है, ये क्लीन चिट नहीं तो क्या है? बिना जांच के आप ये बात कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस सारे भ्रष्टाचार के अंदर मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में हो रहा है, ये उन्होंने विधानसभा में ये बयान देकर साबित किया। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्यों भारतीय जनता पार्टी तरफ से जवाब नहीं आ रहा? देखिए, जवाब किस बात का दे, 154 वायदे किए पूरे नहीं किए,
तीन बार प्रदेश को जलाया, सारी दुनिया ने देखा। बलात्कार के मामले में हमारा एनसीआर नंबर वन है, ये रिकॉर्ड बताता है, आंकड़े बताते हैं। हमारे पास कोई निवेश नहीं आया, ये इंडस्ट्रियल प्लॉट आज तक बिके नहीं, ये आंकड़े बताते हैं। सब कुछ तो आपके सामने पड़ा है, क्या जवाब देंगे सनवारिया जी? तो जवाब देने के लिए नहीं है। हाँ, ये केवल उलझुल बात कर सकते हैं कि फलाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष, फलाने का अध्यक्ष। अरे साहब, अपने गिरेबान में झांकिए और ये बताइए कि 4 साल में प्रदेश के अंदर सरकार ने क्या किया, क्यों आपके पार्लियामेंट चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, क्यों आपके विधायक विधानसभा में आप ही की सरकार की कारगुजारियों पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों आपके विधायक ये बात कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बंदूक दिखाई गई, मुझे रिवॉल्वर दिखाई गई, ये आपके विधायकों के बयान है। तो जब प्रदेश में इस तरह के हालात हो, सत्ता दल के विधायक डरते हो, लोगों के साथ झगड़े होते हो, क्या बोलेंगे? बोलिए जी। प्रवीण जी, ऊंचा बोलने से असत्य। मैं तो ऊंचा बोला ही नहीं, नहीं, तो बोला ही नहीं, ये तो मेरी आवाज है, पीच आई है। असत्य कभी सत्य नहीं होता, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आप तो नहीं, अभी आपने कहा कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री ने क्लीन चिट दे दी, तो विधानसभा नहीं 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 देख लीजिए क्या बयान दिया था। नहीं, हम टॉपिक से दूर ना जाएं, सर रिक्वेस्ट है, विषय पर हम रखेंगे कि आपकी पार्टी के कोई सांसद, कोई भी सांसद नाराज है सरकार से या फिर नहीं है। ना देखिए, एक घर में नाराजगी होती है, लेकिन कलेक्टिवली सारी जिम्मेवारियां कलेक्टिव होती है कैबिनेट की और एमपीज की भी। घर की नाराजगी है, वो अपना बात करते रहे। घर कहाँ है? बहुत सारे बाकी दलों से कुछ लोग रहे आपकी पार्टी में शामिल हो गए, सत्ता के लिए लोग शामिल हैं, अगर उनको परेशानी आ रही है वो बयान दे रहे हैं। वो सत्ता में हम तो बुला के लेके आए नहीं कि भैया आइए, जिस तरह से ये लोग शामिल हो सकते थे उस तरह से शामिल नहीं हुए, जिस तरह की बातें इनकी ओर से कही गई, सरकार से कई बार शिकायतें निकल कर सामने आई। ज्योति जी देखिए, जो हरियाणा की राजनीति अभी तक रही है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स रही है, और सैनी जी उसको खूब अच्छी तरह से जानते हैं, बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो है दोनों तरफ से है। चौधरी छोटूराम की डेथ के बाद तो एग्रीकल्चरिस्ट में बहुत बड़ा वैक्यूम है, जो कुछ हद तक उसमें इनेलो उसमें फिट बैठती है। दूसरा बहुत बड़ा वैक्यूम जो है चौधरी भजनलाल की डेथ के बाद में है, जो नॉन जाट के बीच में है। इन दोनों की नज़र उस वोट पर है। राजकुमार सैनी जी भी यही चाहते हैं कि ये जो लगभग 15-20% का वोट बैंक है, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 30-35% का वोट बन जाता है, कि इनमें मेरे जो है 10-12 कैंडिडेट मेरे विन रहे। लेकिन इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या पार्टी से निकालने की बात है, वो तो जवाब हम दे चुके हैं कि कोई भी जो है बाई इलेक्शन नहीं चाहता, न राजकुमार सैनी जी चाहते हैं न बीजेपी चाहती है। हिम्मत नहीं है जी। अश्विनी चोपड़ा अगर ये कहें कि 2019 में ही स्टेडियम का निर्माण होगा, खनगर साहब कैसे समझा जाए? जनादेश दिया गया 2019 तक का, एक बार फिर से सत्ता में लेकर आइए, अगर काम करवाना है वही वादा अगर पूरा करवाना है जो कि 2014 में किया गया था। देखिए, शायद इन लोगों को महसूस हो चुका है कि अब बीजेपी मोदी के नाम पे चुनाव में जाएगी और अपना इनका व्यक्तिगत कोई वोट बैंक नहीं है, और शायद इनको टिकट मिले या न मिले, ये भी तो एक रहस्य बना हुआ है ना। बीजेपी हर बार कह देती है हम सर्वे करवा रहे हैं, आप सबकी रिपोर्ट कार्ड हमने तैयार कर दी, आपको टिकट मिले ना मिले आपके रिपोर्ट कार्ड के ऊपर होगा। अब वो रिपोर्ट कार्ड मोदी जी तय करेंगे ना कि किसका रिपोर्ट कार्ड ठीक है किसका गलत है। मेन चीज़ तो वो चलेगी, जिसका रिपोर्ट कार्ड मोदी जी ओके करेंगे उसको टिकट मिलेगी, वो चुनाव में जाएगा, नहीं तो हर बार नए कैंडिडेट आएंगे। अब नए कैंडिडेट के खिलाफ कोई माहौल नहीं होता, हो सकता है मोदी साहब चाह रहे हो कि नए जो नए चेहरे हैं उनके नाम पर फिर वैतरणी पार हो जाए। इन लोगों का अपना तो रिपोर्ट कार्ड कुछ है नहीं एक तरह से। चोपड़ा को सुनकर भी क्या लगता है, क्या उनको भी विश्वास नहीं कि सीट वो बचा पाएंगे इस तरह के भनक उनका? नहीं देखिए, तो सारी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो आप ये लगा लें 4-5 एमपी जो मुखर होके बोल रहे हैं और जो 18 एमएलए जो इनके मुखर होके बोल रहे हैं, वो सभी को लगता है कि हम हार रहे हैं। क्योंकि इस तरह से अगर उनको उनके अंदर जो फीलिंग है वो दर्द जो है वो बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि काम जो हुए नहीं, अपने इलाके में विधायक अपना काम नहीं करवा पा रहा, तो वो खिलाफ बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी के, काम नहीं हो पा रहे। और इन्होंने 154 वायदे किए थे, लेकिन वो एक भी चीज अगर धरातल पे नहीं होगी, आप ये देखें 4 साल के अंदर 100 लोगों की पुलिस की गोली से मौत हो चुकी,
आप ये देखिए, पहले रामपाल वाला मामला हुआ, फिर उसके बाद जाट रक्षण वाला हुआ, फिर राम रहीम वाला मामला हुआ, और उसके बाद जो तरह तरह के आरोप है वो लग रहे हैं कि जैसे अभी 75 लाख वाला अत्रे जी ने बताया, इसी तरह से और कई आरोप जो है 5000 करोड़ रुपए का डाडम घोटाले की बात अभी अब भिवानी वाले जो एमपी है उन्होंने रखी अपनी बात कि वहां पे सरकार की नाक के नीचे 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। ये बीजेपी के एमपी चिट्ठी लिख रहे हैं, ये जब उनका दर्द झलकता है तो ये सीधी सीधी बात जो है लोगों तक जाती है, और ये भी समझ रही है भारतीय जनता पार्टी के एमपी कि अगली बार हमारा बनेगा क्या, तभी वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये अभी ये देखना होगा कि वो बीजेपी छोड़ते हैं या बीजेपी छोड़ के भी भागेंगे और फिर दोबारा और दामन देखेंगे कहां जाना है। सरकार में हमें भी नहीं सुना जाता। देखिए ये बात तो स्पष्ट रूप से कई बार आ चुकी है, कई बार मंत्रियों ने ये बात कही है और मीडिया में आके कही है, विधायकों ने आके कही है, फिर ये भी बयान विधायकों की तरफ से आए हैं कि अफसरशाही बहुत हैवी है, अफसर हमारी बातें नहीं सुनते हैं, तो इस तरह के बयान तो अक्सर आते रहे हैं। लेकिन एक बात ज्योति और भी है, देखिए अगर किसी विधायक रेडी और फड़ी वालों से रेडी फड़ी के नाम लगाने के नाम पे 300-300 रुपया रोजाना लेने का आरोप लगे, वो भी विधानसभा में किस मुंह से जाएगा वो विधायक वोट मांगने? तो ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सच्चाई है। तो जब इस तरह का माहौल हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे अभी अनिल जी ये बात कह रहे थे कि रियलिटी पता लग चुकी है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, और वो चीज इस तरह के बयान देने को मजबूर कर रही है। अश्विनी चोपड़ा जी अगर ये बात कहते हैं, देखिए उनके बयान के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, वो कहते हैं कि जो वायदा करके आपसे वोट ली थी अब वो वायदा तब पूरा होगा जब आप दोबारा चुनाव जितवाओगे। मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ही बात कहते हैं कि हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया 2030 का, हम जो करेंगे 2022 तक, किसान की आमदन दुगनी होगी 2022 तक। तो कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि साहब हमने 2014 में जो वायदे करके आपसे वोट मांगी थी वो वायदे अभी पूरे नहीं होंगे, एक बार दोबारा फिर हमारे झांसे में आओ, एक बार फिर हमारे झूठे वायदों में आओ, हमें वोट दो तब हम उसको पूरा करेंगे। ये आरोप ये भी है कि कई मंत्री अपनी सीटें छोड़कर कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं, उनका भी विश्वास कम है। आप भाग रहे हो चुनाव से, आपने वायदा खिलाफ भी किए, आपने वायदे पूरे नहीं किए, 2019 में मनवाया जाएगा, 2019 में जिताएंगे तो ही वादे पूरे किए जाएंगे, अभी पैसे खत्म हो गए, अभी के लिए सवाल खत्म हुआ। सर सवाल ये, क्या कई मंत्री भी ऐसे हैं जो अपनी सीट बदल कर कहीं और से चुनाव लड़ सकते हैं? उसी पर विश्वास नहीं बचा। इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कौन किसके काबिल है, मेरी पार्टी में 90 तो क्या सैकड़ों लोग कैंडिडेट हैं जो एमएलए का इलेक्शन लड़ सकते हैं, 10 MP तो क्या, हमारे पास 100 इतने टॉप लोग हैं और सबका विकास सबका साथ माननीय मोदी जी के 2014 में। ज्योति जी, बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि ये पार्टी विद डिफरेंस है, लेकिन अब ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। कांग्रेस 40% तो कांग्रेस ही बीजेपी हो गई है। हाँ। तो जो इनकी कल्चर रही है वो उस कल्चर से भी बाहर निकल पाए, मीटिंग और ईटिंग की कल्चर रहती थी, मीटिंग बहुत ज्यादा करते हैं बीजेपी वाले और मीटिंग में। शुक्रिया शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो बड़ी बात में चर्चा ये की सरकार के सांसद अगर कहें कि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सरकार को क्या सोचने की जरूरत है 2019 से पहले। थैंक यू।